हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज आपके लिए मैंने वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है बच्चों, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में थोड़ा सा लीक से हटकर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी VVI साबित हो सकता है। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत की जाए। और पहला प्रश्न है बच्चों कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहला ऑप्शन है जड़ के ऊपरी भाग में, दूसरा ऑप्शन है परागकण में, और तीसरा ऑप्शन है तने के ऊपरी भाग में, और चौथा ऑप्शन है एंथर में। कहता है इन प्लांट्स मियोसिस अकर्स इन रूट टिप, पॉलीगन ग्रेन, स्टेम टिप और डी अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बच्चों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी ना करेक्ट आंसर होगा कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है तने के ऊपरी भाग में होता है, यानी कि स्टेम टिप जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से इन प्रश्नों को अपने कॉपी पर नोट कर डालें। ठीक है, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही खतरनाक है। और चलिए तो हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है DNA रेप्लिकेशन है। पहला ऑप्शन है अर्ध संरक्षित संतत, दूसरा ऑप्शन संरक्षित संतत, और तीसरा ऑप्शन है अर्ध संरक्षित अर्ध असंतत, और चौथा ऑप्शन है अर्ध संतत संरक्षित। ठीक है, तो यही बच्चों ना आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी VVI साबित हो सकता है। कहता है DNA रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव कंटिन्यूअस, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, और दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा ग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी DNA रेप्लिकेशन है अर्ध संरक्षित अर्ध असंतत। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न को भी अपने कॉपी में नोट कर डालें। तो चलिए बच्चों अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखता हूँ क्या है। अगला प्रश्न बच्चों काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है निम्न में कौन सा जनसंख्या नियंत्रक की जैविक विधि है। निम्न में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है। पहला ऑप्शन है परजीविता, दूसरा ऑप्शन है प्रीडेशन, और तीसरा है बीमारी, और चौथा है इनमें से सभी। ये तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों। तो ये तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है ना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि निम्न में से सभी, यानी कि परजीविता, प्रीडेशन, बीमारी, ये सभी जनसंख्या नियंत्रण के जैविक विधियां हैं। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न को भी अपने कॉपी में नोट कर डालें। और चलते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कि मीथेनोजेंस निम्न में से क्या नहीं बनाते हैं। एक बार फिर से, मीथेनोजेंस निम्न में से क्या नहीं बनाते हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, और इस चौथा नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए जो है ना करेक्ट आंसर है कि मीथेनोजेंस ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और देखते हैं हम पाँचवा नंबर प्रश्न क्या है हमारे इस सेशन का। कहता है घन कंद का उदाहरण है अदरक, घन कंद का उदाहरण है अदरक, दूसरा है कोलोकेशिया जिसको ओल कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है बच्चों प्याज, और चौथा ऑप्शन है आलू। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न को भी अपने कॉपी में नोट कर डालें कि घन कंद का जो उदाहरण है वो हमारा है कोलोकेशिया यानी ओल। घन कंद जो का जो उदाहरण है बच्चों वो है हमारा कोलोकेशिया जिसको हम ओल कहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है एक जीन के भिन्न रूप को क्या कहते हैं। एक जीन के भिन्न रूप को क्या कहते हैं। हेटरोजाइगोटस, बी है एलील, तीसरा है सप्लीमेंट्री जीन, और डी है कम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, ये छठा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बच्चों,
कि जीन का दूसरा रूप जो होता है जिसको हम एलील कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और इस सेशन का लुत्फ़ उठाया जाए और हम सातवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये सातवां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, कहता है इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी से निकली गैस, दूसरा ऑप्शन है पराग कण, तीसरा है धूल कण और डी है इनमें से सभी। ठीक है, तो ये सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, कहता है इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। तो इनमें सभी जो है जितने भी ऑप्शन हैं सभी इनमें से सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट आंसर होगा इस हमारा सातवें नंबर प्रश्न का। आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। आठवां नंबर कहता है आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है कहलाता है। आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है कहलाता है, तो आठवां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बच्चों सी है ना, रेस्ट्रिक्शन इन इंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है कहलाता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम नवे प्रश्न की ओर, और नवा प्रश्न जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, कहता है द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई है। स्ट्रासबर्गर, माहेश्वरी और तीसरा है नवाश्चिन और चौथा जो है एमिकी। ठीक है, तो ये नवा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है ना करेक्ट आंसर है, नवाश्चिन। द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज जो है नवाश्चिन के द्वारा की गई है। और चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम दसवें प्रश्न की ओर, और ये दसवां प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न मुझे लग रहा है। कहता है इनमें से कौन चेन प्रारंभकन कोडोन है। ठीक है, AUG, दूसरा है CCC, तीसरा है UAG और चौथा है UUA। ठीक है, तो ये दसवां नंबर प्रश्न है बच्चों, और दसवां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ना करेक्ट आंसर है। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न को अपने कॉपी पर नोट कर डालें, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ही अल्प समय बचा है, यानी कि मात्र हमारा जो है 6 से यानी कह सकते हैं उसको कि मात्र अल्प समय बचा है, तो जल्दी से इस प्रश्न को रट्टा मार डालें। और यह 11वां नंबर प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी VVI साबित हो सकता है बच्चों। कहता है ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है। ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है, पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा है हवा, तीसरा है ध्वनि और चौथा है जल। तो ये 11वां नंबर प्रश्न का बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट आंसर है, कि ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, बारहवां नंबर प्रश्न देखते हैं, क्योंकि हमारा इस सेशन का 12वां नंबर प्रश्न क्या है। तो कहता है मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने की। मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने की, पहला ऑप्शन है फ्रांसिस कॉलिनस एवं रॉड्रिक, और दूसरा है वाटसन एवं क्रिक, तीसरा है बीडल एवं टैटम और चौथा है पॉल बर्ग एवं बोलमैन। ये 12वां नंबर प्रश्न है बच्चों हमारे सेशन का, और इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि मानव जीनोम परियोजना की खोज जो है फ्रांसिस कॉलिनस एवं रॉड्रिक ने की। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अब 13वें प्रश्न की ओर, और ये 13वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कि भ्रूण पोष की उत्पत्ति किससे होती है। पराग नलिका से, लघु बीजाणु से, लघु बीजाणु घानी से और गुरु बीजाणु से। ठीक है, तो ये 13वां नंबर प्रश्न है बच्चों कि भ्रूण पोष की उत्पत्ति जो होती है किससे होती है। तो इसका ऑप्शन है डी, गुरु बीजाणु से भ्रूण पोष की उत्पत्ति होती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम 14वें प्रश्न की ओर, और 14वां प्रश्न जो है कहता है बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने के क्या कारण है। नलिशोमी, जीन उत्परिवर्तन, ट्राइसोमी और डी मोनोसोमी। तो 14वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट आंसर है, ट्राइसोमी। ठीक है,
पंद्रहवा नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों, हमारे स्टेशन का पंद्रहवा नंबर प्रश्न क्या है। कहता है इनमें से किस क्रिया से डीडी की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है? जल प्रस्फुटन, बी है जो जैव आवर्धन, और तीसरा है सुपोषण, चौथा है ओजोन प्रदूषण। ठीक है, तो ये हमारा पंद्रहवा नंबर प्रश्न बच्चों, और इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट ऑप्शन है कि जैव वर्धन की क्रिया से डी की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, और ये 16वां नंबर प्रश्न है आपके सेशन का, और ये सेशन आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना हमारा वायरल क्वेश्चन है। और कहता है वायरल मीन्स ये काफ़ी मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में VVI साबित हो सकता है। ठीक है, तो कहता है BT20 का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? लेपिडोप्ट्रॉन, कोलियोप्ट्रॉन, डायप्ट्रॉन और इनमें से सभी पर। ठीक है, तो 16वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी बच्चों करेक्ट आंसर है कि BT20 का प्रभाव इनमें जितना विकल्प दिया हुआ है वो सब सभी सही है। तो चलिए बच्चों अब हम 17वें प्रश्न नंबर प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं कि 17वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, तो कहता है सर्टोली कोशिकाएं किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? पहला ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा है वृद्धि हार्मोन, तीसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और चौथा है प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो 17वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बच्चों सी नंबर करेक्ट आंसर है। जल्दी से इस प्रश्न को भी अपने कॉपी पर नोट कर डालें। और चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न तो बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों और ज़बरदस्त प्रश्न है। कहता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु उत्पत्ति कहाँ से होती है? पहला ऑप्शन है शुक्राणु जनन नलिका, दूसरा है शुक्राणु सहायक नलिका, तीसरा है रक्त वाहिनियों से और चौथा है क और ख दोनों से। ठीक है, तो 18वां नंबर प्रश्न का बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है ना करेक्ट आंसर है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति जो होता है शुक्राणु जनक नलिका से होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और ये हम देखते हैं कि हमारा 19वां नंबर प्रश्न क्या है। तो 19वां नंबर प्रश्न कहता है माला डी क्या है? तो बुखार की दवा, बी है गर्भ निरोधक गोलियां, सी है जॉन्डिस की दवा और डी है विटामिन गोलियां। तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि माला डी जो है हमारा गर्भ निरोधक गोलियां है। ठीक, 19वां नंबर प्रश्न देखता हूँ कि क्या है। 19वां नंबर प्रश्न काफ़ी VVI प्रश्न है बच्चों। कहता है ओपेरिन तथा हॉल्डेन ने किस विकास सिद्धांत को दिया था प्राकृतिक वरण? बी है श्वेता जनन सिद्धांत, सी है रासायनिक विकास का सिद्धांत, डी है अंगों की उपयोग एवं अनुपयोग। ठीक है, तो ये 20वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि ओपेरिन तथा हॉल्डेन ने रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम 21वें नंबर प्रश्न की ओर, और ये 21वां नंबर प्रश्न जो है काफ़ी शानदार प्रश्न है। और कहता है मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए गए थे? मीथेन, बी एमिनो एसिड, सी हाइड्रोजन, डी अमोनिया। ठीक है, तो 21वां नंबर प्रश्न का बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि मिलर प्रयोगशाला में एमिनो एसिड बनाए गए थे। ठीक है, तो जल्दी से इन सभी प्रश्नों को क्वेश्चन विथ आंसर अपने कॉपी में नोट कर डालें। और चलिए बच्चों ये हमारा है 22वां नंबर प्रश्न है। कहता है मानव जैसा प्राणी को कहा गया था? तो पहला ऑप्शन है होमो हैबिलिस, बी है होमो सेपियंस, सी है होमो इरेक्टस और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 22वां नंबर प्रश्न बच्चों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि पहला मानव प्राणी को कहा गया था होमो हैबिलिस। ठीक है, तो ये 22वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर है। 23वां नंबर प्रश्न बच्चों काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है डायनासोर किस काल में थे? कार्बोनिफरस, परमिनियन, जुरासिक और डी आधुनिक। ठीक है, तो ये 23वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हमारा जो है ना सबसे करेक्ट आंसर है कि जुरासिक काल में डायनासोर थे। ठीक है, चलिए इन प्रश्नों को भी अपने कॉपी में नोट कर डालें। और ये 24वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और ये 24वां नंबर प्रश्न जो है कहता है
कि प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है। ठीक है, तो पहला है किलर कोशिकाएं, दूसरा है सहायक टी कोशिका, और सी जो है निरोधी टी कोशिका, डी जो है मेमोरी कोशिका। ठीक है, तो 24वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो 24वां नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, निरोधी टी कोशिका। ठीक है, जल्दी से इन प्रश्नों को आंसर अपने कॉपी में नोट कर डालें। और ये 25वां नंबर प्रश्न है बच्चों, कहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन कैंसर कौन है। ठीक है, लायोपोशा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, इनमें से सभी। ठीक है, तो 25वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बच्चों है ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि हमारा 26वां नंबर प्रश्न क्या है। कतानी में भारतीय गाय का कौन सा वैज्ञानिक नाम है, एस्केरिस, लॉम्ब्रक, क्वाडिश, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, सी है बोस इंडेक्स और डी है एपिस डोरसाटा। ठीक है, ये 26वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट आंसर है कि बोस इंडेक्स जो होता है भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये 27वें नंबर प्रश्न की ओर। और 27वें नंबर प्रश्न कहता है कि ठीक है 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता निम्न में से कौन सा ड्रग अवसाद एवं अनिद्रा में उपयोग किया जाता है, एप्टामिन और बी है लाइसजिक अम्ल, आई एथिल एमाइड और सी जो है बेंजोडाइजोपिन। ठीक है, और चौथा इनमें से सभी। तो 27वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये 28वां नंबर प्रश्न है बच्चों, 28वां नंबर प्रश्न का क्या आंसर होना चाहिए। कहता एड्स एक एसटीडी है और इसका संचरण होता है रक्त संचरण द्वारा, दूषित सुई के द्वारा, मैथुन से और इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, तो 28वां नंबर प्रश्न का जो है ना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा सेशन है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए वायरल साबित हो सकता है, यानी कि काफ़ी वीवीआई मोस्ट ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो इस सेशन में जितने भी प्रश्न हैं बच्चों सही प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर डालें और जल्दी से इन प्रश्नों का रट्टा कर मार डालें। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी वीवीआई साबित हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो विशेष मैं क्या कहूँ, हमारी ओर से आप लोग को शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, कि आप लोग का एग्जामिनेशन अच्छा से जाए, अच्छे अच्छे नंबर लाओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बेस्ट ऑफ लक।